हेलो, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का सबका मैं बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टाटा एल्ट्रोज डीसीए वेरिएंट जो आया है, जो डुअल क्लच ऑटोमेटिक वेरिएंट जो आया है, उसका रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी चाबी की बात कर लें तो ये है लॉक, जिससे कि मिरर्स भी फोल्ड हो जाते हैं। ये अनलॉक और ये है बूट अनलॉक। इससे सिर्फ बूट अनलॉक होता है, जिससे कि आप उसको बूट को खोल सकते हो। और इसका बूट खोलने का भी अलग सा मैकेनिज्म है। अगर आप पहली नज़र में देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ इसका बूट का अनलॉक करने वाला है। तो आप यहाँ ऐसा दबाने से, यहाँ इसके पीछे एक बटन है, अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। और इसके अंदर एक बटन है, इसको आप अगर प्रेस करते हो, ये रहा, इसको अगर आप प्रेस करते हो तो आपका बूट खुल जाता है। तो अभी आप अपने बूट की बात करें तो यहाँ कुछ मेंशन हो रहा होगा साइज आपका। अगर प्रैक्टिकली बात करें, काफ़ी बड़ा बूट दिया हुआ है इन्होंने। ये प्लास्टिक को माइंड मत करना, ये डिस्प्ले की कारण तो ऐसा रहता है। काफ़ी बूट बड़ी बूट दी हुई है और बूट लैंप यहाँ दिया हुआ है। अक्सर गाड़ियों में बूट लैंप यहाँ दिया रहता है इस जगह पर। तो इससे क्या होता है, इतनी तक तो अच्छी लाइट आ जाती है, इधर अगर कुछ इतनी बड़ी चीज़ रख दो तो यहाँ लाइट नहीं आती। तो इसमें ये इश्यू रिजॉल्व कर दिया गया बूट लैंप ऊपर देखे। तो चलिए बूट बंद करते हैं, फिर अंदर का देखते हैं। ऐसे पहले तो एक वातावरण दे दूंगा, आगे की बात करते हैं। चलिए गाड़ी का लाइट्स ऑन करते हैं। ऐसी कुछ लगती है इसकी लाइट्स, एलईडी तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी लगती है। अगर इंडिकेटर्स भी ऑन कर दें, अगर रिवर्स लाइट की बात करें, रिवर्स लाइट यहाँ दिया हुआ है। इस गाड़ी में दो साइड रिवर्स लाइट आता है और एक स्पेशल फीचर जो कि रियर फॉग लाइट। ये है दो रिफ्लेक्टर्स और ये रियर फॉग लाइट। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इन रिवर्सिंग ये है दो रिवर्स पार्किंग सेंसर। कैमरा तो दिया हुआ और एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ दिया हुआ है, लेकिन दो पार्किंग सेंसर काफ़ी इसका डिसएडवांटेज है। अभी बात करते हैं, रियर वाइपर दिया हुआ है, डिफॉगर दिया हुआ है, एंटेना यूजली पीछे दिया रहता है लेकिन एंटेना उसका आगे दिया हुआ है। अभी यहाँ पर हाई स्टॉप लैंप दिया हुआ है, एलईडी है। चलिए आगे चलते हैं। इसका रिक्वेस्ट सेंसर बहुत साइज में आता है जो कि हुंडई में नहीं आता। अभी लॉक और अनलॉक, अगर लॉक करता हूँ तो देखिए दोनों इंडिकेटर्स फ्लैश करते हैं और ये मिरर्स भी फोल्ड हो जाते हैं। और इसके स्पेशल फीचर तो आपको पता ही होगा, इसके डोर हैंडल्स यहाँ दिए हुए। तो ये वाला टाटा अल्ट्रोज डीसीए में क्या खास है वो देखते हैं अंदर जाके। चलो गाड़ी को अनलॉक करते हैं, अंदर बैठते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ करते हैं। आपको दिख रहा होगा काफ़ी सुंदर सा एक ब्लू एम्बिएंट लाइट आता है, तो यहाँ भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं चेंजेस से। सबसे बड़ा चेंज है, एज द नेम सजेस्ट, ये है डुअल क्लच ऑटोमेटिक। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, मैनुअल कंट्रोल। आपको ये वाला गियरबॉक्स यूज करने से पहले यहां पर पीछे की तरफ एक बटन दिया हुआ है, ये देखिए, ये बटन को यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी ब्रेक दबाया हुआ है, ब्रेक दबा के रखने के बाद बटन दबा के आप गियर चेंज कर सकते हैं। तो ये है कुछ ऐसा सीक्वेंस इसका, और ऐसा कुछ दिखती है। काफी अच्छा दिया हुआ है इन लोगों ने गियर लेवल वाला सिस्टम। चलिए लगाते हैं रिवर्स। ये रहा कुछ इसका कैमरा, फिर न्यूट्रल, ड्राइव, मैनुअल कंट्रोल। ऐसे आप गियर अप कर सकते हैं, इधर से आप गियर डाउन कर सकते हैं, इधर देख भी पाएंगे। इसको अगर मैं पुल करता हूँ तो गियर डाउन होगा, और पुश करता हूँ गियर अप होगा। तो गियर अगर मैं मैनुअल कंट्रोल में डालता हूँ तो देखिए उसका अंदर वाला चला जाता है, अंदर ये वाला। तो अभी मैं अगर पार्क करता हूँ, बस पार्क कर दिया। तो यही थे फीचर्स इसके टाटा अल्ट्रोज डीसीए के चेंजेस के। अगर फीचर्स की बात करो तो काफी लिस्ट ज्यादा चलती है। इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स जैसे आप देख सकेंगे वो रहा, ऑटोमेटिक वाइपर्स आते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट आता है,
क्रूज कंट्रोल आता है, म्यूजिक सिस्टम अच्छा सा आता है, 8-7 इंच का 8 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम आता है। अगर मैं लाइट्स ऑन कर दूँ तो डिम भी पड़ जाता है। अगर मैं एम्बियन लाइट का सेटिंग दिखाऊँ तो देखिए इधर मैं, अगर वो ऑन, अभी मैंने एम्बियन लाइट ऑन कर दिया, देखिए ये रहा नीचे, ये रहा ऊपर। अभी मैं इसका इल्यूमिनेशन को ज़्यादा कम भी कर सकता हूँ, देखिए थोड़ा कम कर दिया, अभी मैक्सिमम कर दिया। चलिए हम लोग बैक चलते हैं। काफ़ी सारे सेटअप के वाले सेटिंग्स भी दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मिलता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, उसके नीचे मिलता है 12 वोल्ट का एक सॉकेट और एक नॉर्मल USB A टाइप पोर्ट। यहाँ कुछ मिलता है आपको ऐसा स्टिच्ड सेंट्रल आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल है। इसको ऊपर करते हैं तो इसमें पता चलता है कि इसमें लॉक वाला सिस्टम नहीं है, इसमें मैग्नेट वाला सिस्टम है। और ये काफ़ी डीप है, छोटा है लेकिन डीप है, ठीक ठाक डीप है। तो इसको लगाते हैं। ऐसा कुछ गियरबॉक्स, सॉरी ऐसा कुछ हैंड ब्रेक दिया हुआ है जिसको हम लोग ऐसे डाउन कर सकते हैं। और ऐसा इसके ग्लव बॉक्स है। ग्लव बॉक्स में आप देख पाएंगे कि कोई वैसा ऑब्वियस स्विच नहीं दिख रहा। तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें ये यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, बटन दबाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे उतरेगी। और एक क्वर्क है इसमें, ये देखिए अपना इंडिया का नेशनल बर्ड मोर दिखता है। अंदर देखेंगे तो ग्लव बॉक्स लैंप भी दिया हुआ है, क्योंकि तो ये काफ़ी अच्छी घड़ी बना देता है। काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए। और सबसे बड़ी, चलिए आगे का लुक दिखाता हूँ, आगे से कैसे दिखती है घड़ी। आगे से कुछ ऐसा लुक है। अगर मैं इस गाड़ी की हेडलाइट्स वगैरह ऑन कर देता हूँ और इंडिकेटर्स ऑन कर देता हूँ तो आप देखिएगा कैसा लुक आता है। इग्निशन, हेडलाइट्स ऑन है, हाई बीम पे है और इंडिकेटर्स भी ऑन कर देता हूँ। कैसे लुक आती है गाड़ी में। ये है लो बीम प्रोजेक्टर, ये हाई बीम रिफ्लेक्टर। अगर दो हाई बीम ऑन रखते हैं तो ये दोनों जलते हैं। ये है हेलोजन प्रोजेक्टर, हेलोजन इंडिकेटर, अरे हेलोजन फॉग लाइट। आगे से ऐसा कुछ लिखा, चलिए इसे दिखाते हैं अंदर से। वायरिंग करना इजी कॉल है, चलो पीछे से दिखाता हूँ। इसमें इसका स्पेशल फीचर दिखाता हूँ, ये देखिए ये फॉग लाइट। काफ़ी रेयर है ये गाड़ी में, सेगमेंट में तो कोई भी फीचर, कोई भी गाड़ी ये फीचर अप्लाई नहीं करता। ये देखिए इसलिए अंदर से दिखाता हूँ, गाड़ी को ऑफ कर देता हूँ, हेडलाइट्स भी ऑफ कर देते हैं। ये वाली, और सबसे बड़ी बात, 5 स्टार सेफ्टी, इससे बड़ा फीचर आपको क्या चाहिए। यहाँ की बात करें तो आपको दिखेगा ये पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग आपका ये मीटर। तो इसको कंट्रोल करने का ऑप्शन किधर है वो देखते हैं अभी। तो एट द फर्स्ट ग्लेंस आपको पता नहीं चलेगा कि इसका कंट्रोल किधर है। तो इसका कंट्रोल अगर देखें तो ये दिया हुआ है स्टीयरिंग कंट्रोल में, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, पावर एंड टॉर्क। और यहाँ से सेटिंग्स खोल सकते हैं। अभी हम लोग अगर सेटिंग्स में जाते हैं, इल्यूमिनेशन, TPMS भी दिया गया है गाड़ी में जो कि काफ़ी अच्छा बात है। तो चलते हैं TPMS बैक। चलिए ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ सिस्टम इसमें। तो यही था मेरा टाटा अल्ट्रोस TCA का रिव्यू। तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। सो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।